हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल मम्मी की रसोई में। तो चलिए आज हम आप लोग के साथ इतना अच्छा डिश शेयर करने जा रहे हैं, जोधापुरी मिर्ची बड़ा और हिंची के पकौड़े। देखने में लग रहा है लाजवाब, बिना टाइम गंवाए चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जोधपुरी मिर्चा बड़ा बनाने के लिए ये देखिए हम 7 से 8 मिर्चा लिए हैं। एकदम भले मोटा होता है देखने में, लेकिन उतना तीखा नहीं होता है। और ये एक शिमला मिर्च लिए हैं, मीडियम साइज टमाटर, 2 मीडियम साइज प्याज, ये सबको हम बारीक पीसेस में कट कर लिए हैं। एक मीडियम साइज गाजर लिए हैं, इसे हम कद्दूकस कर लिए हैं। 1/2 टीस्पून राई है और 4 से 5 हरी मिर्च है। 2 हम कड़ी पत्ते के डंठल लिए हैं और 2 नींबू का रस और 4 से 5 हम आलू पहले से बॉईल करके इसे मिक्स करके रखे हैं। तो हम एक कढ़ाई लिए हैं, ये देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। इसके स्टफिंग्स के लिए हम पहले सबको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम राई डालेंगे। ये देखिए हमारा राई चटक रहा है। इसमें हम कड़ी पत्ते डालेंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, साथ में टमाटर भी है थोड़ा सा, उसको भी डाल देते हैं। गाजर को हम बाद में डालेंगे। सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा सभी शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरी मिर्च सब भून चुका है। 1 से 2 मिनट हो गया है इसे भूनते हुए। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं, आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुनी जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसे ज़्यादा देर भुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सभी होममेड भुना हुआ मसाला है। अब इसमें हम जो आलू बॉयल करके मसल के रखे हैं उसको डाल देंगे। सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए हमारा आलू और सभी मसाले कितना अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम जो नींबू का रस निकाल के रखे थे इसको डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा। और थोड़ा सा धनिया की पत्ती, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सभी मसाले और आलू अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और गैस को फ्लेम को हम बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए मिर्चा बड़ा बनाने के लिए हम पहले इसमें एक चीरा लगा देंगे बीज से। इसमें ज़्यादा बीज नहीं होता है, जो भी है यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसे हम भी निकाल रहे हैं। देखिए देखिए सभी बीज हम निकाल दिए हैं। ऐसे ही सभी मिर्ची को हम निकाल लेंगे। ये देखिए सभी मिर्ची को हम बीज से कट करके इसका पूरा बीज निकाल लिए हैं।
इस बीज को हम यूज कर सकते हैं सब्जी में, चटनी में, आप जैसे भी चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए बड़ा बनाने के लिए हम इसका बैटर तैयार करते हैं। ये देखिए हम दो बाउल बेसन लिए हैं और एक बाउल आटा, यह मेरा गेहूं का आटा है। इसको हम अच्छे से छान कर लिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे। अब एक टीस्पून हम अजवाइन लिए हैं, इसे क्रश करके डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और हाफ टी स्पून काला जीरा, इसको भी हम डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका। अब इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून नमक डाल रहे हैं, नमक आप अपने स्वादानुसार लीजिएगा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून हम काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। थोड़ा सा धनिया का पत्ती डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसका हमको एकदम गाढ़ा घोल बनाना है। मुझे ऐसे ही गाढ़ा बैटर चाहिए, देखिए बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम अपना मिर्चा में स्टफिंग्स जो तैयार किए हैं उसको भर लेंगे। ये देखिए स्टफिंग्स थोड़ा सा मिल लेंगे जो आलू का बना के रखे थे, इसमें हम इसको भर देंगे। इसको उंगली से दबा दबा के अंदर ले जाएंगे क्योंकि चम्मच नहीं जा रहा है, पूरा किनारे तक। देखिए ऐसे ही हम सभी मिर्ची को भर लेंगे। बहुत आसानी से भर जाता है, बहुत आसानी से बन भी जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए हम सभी को अच्छे से भर के तैयार कर लिए हैं। आई हम बैटर बना के रखे थे उसमें इसको ऐसे डालेंगे, बस इसको पकड़ के हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसको हम ऐसे उठा उठा करके मिर्ची बड़ा को ऐसे ही डाल देंगे। ऐसे ही पलट पलट के हम इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। बाकी के मिर्ची के बड़े भी हम इसी तरह बेसन में लगा लगा के तल लेंगे।
देखिए सारे बड़े को हम तल लिए, कितना क्रिस्पी हुआ है ना। अब इसी बैटर से हम दूसरे पकौड़े भी बना सकते हैं। ये देखिए हम साग का पकौड़े बनाने जा रहे हैं, ये हिंची साग कहा जाता है इसको, हम इसी का पकौड़े बनाएंगे। देखिए पकौड़े मेरे कितने अच्छे से बन चुके हैं। अब देख रहे हैं कितना अच्छा से बना है। ये सब पकौड़े को भी हम निकाल लेंगे। हुआ ना एक तीर से दो निशाना, कोई भी पकौड़ा इस बैटर से हम बना सकते हैं, पालक का हो मेथी का हो। ये देखिए हमारा हिंची का पकौड़ा और मिर्ची बड़ा दोनों बनके तैयार हो चुका है। देख रहे हैं कितना मस्त दिख रहा है ना, बहुत यमी लगता भी है। ये जोधपुरी मिर्ची बड़ा बहुत ही यमी लगता है खाने में, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके स्टफिंग्स में अंदर आलू होता है, आलू के साथ मिर्ची बहुत ही अच्छा लगता है। और हिंची का पकौड़ा आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है, कितना क्रंची, क्योंकि यह साग का है, बहुत क्रंची होता है, अब बहुत ही खाने में अच्छा लगता है और बहुत फायदेमंद भी होता है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी बनाएं, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें।